हेलो दोस्तों, आज अचानक मार्केट अच्छी खासी चल रही थी। बढ़िया चल रही थी, बट लास्ट में आते आते मार्केट में क्या हो गया, एक गिरावट देखी गई है लगभग 2:45 बजे से। और मार्केट अच्छा खासा लगातार नो ब्रेनर जैसा हो, ठीक है ना, अच्छा खासा आंख बंद करके जैसे देखना शुरू कर दिया हो, वो होता हुआ नजर आया है। तो क्या तेजी खत्म हो गई है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे, जानेंगे एक करके। एक मिनट आपसे इस वीडियो शुरू करने से पहले लूंगा कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ऑल पे नोटिफिकेशन कौन करे, बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, चीजों को सीखे समझिए और उसी तरीके से यहाँ पर आपको काम करना है। हालांकि नीचे यहाँ पर वो सारी वीडियो दे रखी है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप साथ में काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, कब शेयर चलेगा बिकेगा, वो सब चीज हम बात करते हैं। 15-25 हज़ार रुपए का कोर्स है, 3 मंथ की एनरोलिंग, यूज इन स्टॉक मार्केट ऑनलाइन नोट्स सब कुछ दिया जाता है। 8868605401, 8169261037, दो नंबरों को सेव कर लीजिए और हमारे इस कोर्स को आप ग्रैब कर सकते हो। साथ में काम करना है तो भी आप हमारे साथ इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर देखिए अच्छा खासा गिरावट पहले हो रही थी और मैंने 2 दिन पहले यहाँ पर वीडियो भी बनाई थी, है ना, कुछ दिन 5 दिन पहले ही मान के चलिए कि मैंने यहाँ पर बताया था सारे लेवल टूट गए, ठीक है, बट यहाँ पर मार्केट के रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा है, जो कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो कि एक गिरावट होने के बाद यहाँ पर रिवर्सल होता हुआ नजर आया, ठीक है। निफ्टी 50 में अलग चार्ट है, थोड़ा सा हम निफ्टी स्मॉल कैप को लेंगे तो और ज्यादा क्लियर पिक्चर आपको आती हुई दिखाई देगी, या निफ्टी मिड कैप को लेंगे तो और ज्यादा क्लियर पिक्चर आती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर धुलाई पिटाई कुछ ज्यादा हुई है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 2-3 दिन से इस तरह की पॉजिटिव कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही थी कि मार्केट के रिवर्सल के पूरे चांस थे, जो कि यहाँ पर होता हुआ नजर भी आ रहा था। बट 5 मिनट पे आप देखोगे, ठीक है, 15 की पे, तो आपको समझ में आएगा कि 2:45 बजे के आसपास यहाँ पर एक गिरावट नजर आई और शेयर लगातार धीरे धीरे करके यहाँ पर नीचे आता हुआ ये भी गिरा, और जो अच्छी खासी बढ़त थी 1-2% का पोर्टफोलियो जो ऊपर था वो चुपचाप धीरे धीरे करके नीचे आता हुआ नजर आया। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमेशा रहता है, चाहे गिरने पे हो या बढ़ने पे हो, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर हम देखें उसके पीछे का रीजन क्या है कि मार्केट में एक साथ गिरावट आ गई है, तो उसके पीछे का रीजन है ये। अब आप कहोगे सर अभी तो अमेरिका चल रहा था, अभी ये चल रहा था, ठीक है, अब रशिया बीच में कहाँ से आ गया, रशिया का तो हो ही रहा है पिछले 3 साल से, ठीक है, 1000 दिन आज के दिन में यहाँ पर हो भी चुके हैं, तो एक साथ ऐसा क्यों, क्या हो गया कि अभी तक कुछ ठीक था, ठीक है, बट अभी क्या हो गया? तो अभी ये हो गया है, ठीक है, कि आपको पता ही है अमेरिका में कौन आ गया है, डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, बाइडन की सरकार जा रही है। और बाइडन की सरकार जाने पर क्या हुआ है, एक सिंपल की बात यह है कि बाइडन ने जाते जाते जलती हुई आग में ना और ज्यादा तेल डाल दिया है और ज्यादा घी डाल दिया है और आग को भड़का दिया है। क्या ऐसा क्या हो गया? तो ऐसा ये हो गया कि अभी तक ये छोटे छोटे अपने डिफेंस कर रहा था यूक्रेन और मांग रहा था कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल दीजिए ताकि हम अंदर जाके रशिया को मारते हुए नजर आए। तो उन्होंने अभी यहाँ पर लॉन्ग रेंज की मिसाइल का पहले दे नहीं रखा था, बट अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर दे दिया कि हाँ ठीक है आप जाओ, ठीक है, 13 तारीख को शायद ये दिया है या 2-4 दिन पहले ही दिया है कि जाके आप रशिया के अंदर यहाँ पर वॉर कर सकते हो। तो रशिया ने पहले ही कह रखा था कि अगर हमारे अंदर किसी ने मिसाइल मारी, ठीक है, हमारे देश के अंदर आए आप, तो यहाँ पर उस केस में यहाँ पर परमाणु का हम यहाँ पर हमला का मान लेंगे और नाटो और अमेरिका और यूरोप के ऊपर भी हमारी पूरी की पूरी जंग एक तरीके से छिड़ जाएगी और वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। तो ये भी यहाँ पर इस तरीके की धमकी यहाँ पर पुतिन ने दी थी। तो यहाँ पर इन्होंने वो ही मिसाइल अमेरिका ने अभी तक जो रोक रखी थी कि नहीं नहीं ठीक है कोई नहीं, आपको बस अपने आप को बचाना है और कुछ नहीं करना, अब उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दी है। और लॉन्ग रेंज मिसाइल जो 250, 300, 350 किलोमीटर तक जा रही है, ठीक है, उससे इसने हमला कर भी दिया है। यहाँ पर देखिए यूरोप ने पहली बार, यूक्रेन ने पहली बार लंबी दूरी की मिसाइल से बोला हमला, रूस ने दी परमाणु धमकी धमकी है। अब तो यही हुआ है, लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दी गई है 250, 350 किलोमीटर तक रेंज तक, कि यहाँ पर इनका जो गोला बारूद रशिया का जहाँ पर रखा हुआ है वहां तक मिसाइल चली जाएगी, ठीक है, और कहीं ना कहीं इससे रशिया को प्रॉब्लम आएगी और रशिया के और ईगो पे आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसने पहले ही यहाँ पर यूरोप और उसे नाटो देशों को कहा था, तो इस वजह से युद्ध छिड़ सकता है। तो यही होता हुआ नजर आया और मार्केट में इसी वजह से यहाँ पर एक पैनिक देखा गया,
गिरता हुआ नजर आया है यहाँ पर मार्केट। तो यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी स्मॉल कैप जो अच्छा खासा चल रहा था, जो हमें लग रहा था कि यहाँ से शायद रिकवर होता हुआ नजर आएगा, वो अभी दोबारा नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोबारा 17 लग आप देखोगे ना ऊपर से 200 मोर देन 200 पॉइंट्स की यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई है। और 17,441 का मेन सपोर्ट है, वो सपोर्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। और चार्ट से रिलेटेड और भी अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखोगे अभी कुछ और चीजें देख लेते हैं, क्या अभी कुछ ऐसा एक्शन यहाँ पर मार्केट में होता हुआ नजर आया, तो उससे रिलेटेड भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इंडिया ब्रांड क्रूड ऑयल यहाँ पर यूज करता है, तो ऐसा यहाँ पर कोई यहाँ पर जंप नहीं देखी गई है। 72 रुपए 72 डॉलर के आसपास ये ब्रांड क्रूड ऑयल यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा यूएस मार्केट की बात करें तो वो अभी ओपन हुई नहीं है, तो जब यहाँ पर यूएस मार्केट यहाँ पर ओपन होगी तब यहाँ पर और आइडिया लगता हुआ नजर आएगा कि एग्जैक्टली क्या है। बट यहाँ पर आप देखोगे फ्यूचर में, तो फ्यूचर में यहाँ पर अब लगभग 206 पॉइंट की यहाँ पर लगभग आधा आधा परसेंट यहाँ पर इंडेक्स अमेरिकन मार्केट भी गिरा हुआ है, बट सपोर्ट के आसपास है। बात करें यहाँ पर नैसडेक की, ठीक है, तो नैसडेक फ्यूचर को भी देख लेते हैं, तो वहां पर भी हमें एक आइडिया लगता हुआ नजर आ जाएगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है। एक मिनट दीजिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट तो ये 15 तारीख का ही डेटा है, ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पर हम बात करें ओवरऑल, तो डोजोन्स आपको समझ में आ रहा है कि डोजोन्स यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो इसी वजह से गिरता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर पैनिक का माहौल थोड़ा सा आता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से इंडेक्सेस वगैरह सारे के सारे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या, तो देखिए अब पॉजिटिव बंद हुआ है, 170 पॉइंट हमारा स्मॉल कैप बंद हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक मेन सपोर्ट भी था, उसी को टच करके यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। अभी अगर कुछ फुल फ्लैश होता नहीं है, ठीक है, चुपचाप शांति से रुक जाते हैं, समझ जाते हैं, तो यहाँ पर एक मेन सपोर्ट है ही, ठीक है ना, जो कि और ज्यादा हम यहाँ पर लेके चले 14,370 380 के आसपास का मेन सपोर्ट है। यहाँ पर मुझे लग रहा था कि यहाँ पर तेजी बेशक से ना हो, बट यहाँ पर हम रुक जाएंगे और कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आएगा। तो वही अगेन सेम बात मैं रिपीट करूंगा जो मैंने यहाँ पर 5 दिन पहले जब वीडियो बनाई थी वो बात करी थी, कि यहाँ पर आपको ये रखना है कि आपके पास शेयर कौन से हैं, कि आपके पास अच्छे शेयर है, कि आपके पास बेकार शेयर है, वो यहाँ पर देखना है। आपको अपनी निगाह बनानी है किसके ऊपर, अमेरिकन मार्केट के ऊपर निगाह बनानी है कि आज जब मार्केट ओपन होगा, ठीक है, तो वो कैसा होगा, नैसडेक क्या चाल दिखाता है, डोजोन्स क्या चाल दिखाता है, ठीक है, यूरोपीय मार्केट क्या चाल दिखाती है, ठीक है, रशिया किस तरीके से यहाँ पर रशिया की मार्केट क्या बिहेव करती है, क्रूड ऑयल का क्या, क्योंकि क्रूड ऑयल पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, तो क्रूड ऑयल का क्या यहाँ पर चल रहा है, वो सब चीज पे आपको यहाँ पर ध्यान बनाना है और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर चीजों को एनालाइज करना। तो अभी फिलहाल के लिए डरने की बात तो है, ठीक है, क्योंकि इस तरीके का जाते जाते जो जो बाइडन ने किया है वो गलत है, ठीक है, एक कॉमेडियन को यहाँ पर बना रखा है प्रेसिडेंट, वो एक गलत बात है, ठीक है, और उसके पीछे लड़े जा रहे हैं लड़े जा रहे हैं, तो वो भी एक गलत बात है। और ताकतवर से क्यों लड़ना है, शांति से बैठो और हमसे काम करना चाहिए। बट स्टिल कोई नहीं, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर एक मेन सपोर्ट है जो मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर रेंज में कुछ टाइम यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा, नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, जनवरी से शुरू होंगे, जनवरी से जैसे नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट शुरू होंगे ये दोबारा यहाँ पर ट्रैक पे आती हुई नजर आएगी। जनवरी में जो बाइडन भी आ जाएंगे 20 तारीख को के बाद, तो यहाँ पर ये वॉर वगैरह तब उस टाइम कम्प्लीटली खत्म होती हुई नजर आएगी, ठीक है, शांति होती हुई नजर आ सकती है फिर, और फिर हम दोबारा यहाँ पर एक तेजी में आ जाएंगे। तो लगता है एक दो महीने थोड़े से परेशानी वाले हो सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किलें आ सकती है, बट उसके बाद तेजी होती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पर बात करें ये लेवल टूटा तो क्या, तो ये लेवल टूटा तो फिर हम सीधे के सीधे यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं 15,800 के आसपास, ठीक है, और लास्ट 15,000, तो 15,000 से 15,800 की रेंज तक भी हम आते हुए दिखाई दे सकते हैं, बट बहुत मुश्किल है कि इस लेवल को यहाँ पर तोड़े। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होता हुआ नजर आएगा, उस पर आपको ध्यान देना है। बहुत बेहतरीन शेयर है जो यहाँ पर चीजें निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आप चाहो तो हमसे यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हमारे साथ काम कर सकते हो, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना, चीजों को समझना है सीखना है, आंख बंद करके बेचना नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया के फेवर में है। क्या सीएलएसए की आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक बार दिखा भी देता हूँ, 2 मिनट और आपके लूंगा। तो यहाँ पर सीएलएसए की अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा, उन्होंने यहाँ पर क्लियरली कहा है, ठीक
है, यहाँ पर न्यूज भी है कि हम जो हमने चाइना को बाय करने के लिए कहा था वो हमारे एक तरीके से ब्लंडर है, गलती है। ठीक है, हम इंडिया में 20% से ज्यादा ओवरवेट यहाँ पर जाते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले टाइम में, तो ये यहाँ पर है एक चीज। दूसरी चीज हम बात करें तो ये इंडिया पे दोबारा बुलिश होगा इन शॉर्ट। दूसरी बात हम करें तो दूसरी बात ये है कि ये वॉर वगैरह रुक जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी आती हुई नजर आएगी। इंडिया से ज्यादा ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ दिखाने वाला और दूसरा कोई कंट्री नहीं है, तो इंडिया में पैसा आना यहाँ पर लाजमी है। इंडिया में अच्छा खासा पोटेंशियल है, इंडिया में बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो हर कोई यहाँ पर उस चीज का यूज करता हुआ नजर आएगा। तो इंडिया आने वाले 5-10 साल तक तो कम से कम अच्छा खासा यहाँ पर काम करने वाली है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं। तो वीडियो अच्छे लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।